गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 6 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स उसकी एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपको दो पार्ट्स दिए गए हैं। ए पार्ट में देखिए, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स इन ईच पेयर, देन फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। देखो, आपको नीचे कुछ नंबर्स के पेयर दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं, तो आपको उन नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं और फिर आपको ये पता करना है इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। तो देखो, आपको फर्स्ट में दिया गया है नंबर 20 और 18, दो नंबर दिए गए हैं आपको। आप 20 और 18 इन दोनों के फैक्टर्स निकालोगे। फैक्टर्स निकालने आपको आते हैं, मैंने दो मेथड से सिखाए थे, बाय मल्टीप्लाइंग एंड बाय डिवीज़न। तो आप कोई से ही मेथड से इन दोनों के फैक्टर्स निकालिए और उसके बाद आपको क्या करना होगा, इन दोनों के फैक्टर्स को नीचे लिखना और देखना वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों के हैं। तो वो फैक्टर्स जो दोनों के होंगे वो होंगे कॉमन फैक्टर्स। ओके, चलो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। देखिए, फर्स्ट आपको दिया गया है 20 और 18। तो देखो, आपको दो नंबर दिए गए हैं 20 और 18। तो पहले हम 20 के फैक्टर्स निकालते हैं। देखो, हम डिवीज़न मेथड से निकालेंगे। तो 20 को हमने 1 से डिवाइड करा, 20 आया। तो जैसा कि आप जानते हो, हर नंबर का फैक्टर वो नंबर खुद होगा और 1 होगा। तो 1 और 20 तो फैक्टर है ही हैं। अब देखो, हम 20 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 22 से डिवाइड हो जाएगा। तो 20 को 2 से डिवाइड करा, 2 10 20। ओके, तो 2 और 10 भी इसके फैक्टर हुए। अब हम 20 को 3 से नहीं कर सकते डिवाइड, 4 से करते हैं। 4 5 20, तो 4 और 5 भी इसके फैक्टर हुए। अब हम 20 को 5 से करते हैं, तो 5 4 20। देखो, यहाँ पे आपके फैक्टर्स रिपीट होने लग गए। तो मैंने आपको कहा था, जब आपके फैक्टर्स रिपीट होने लग जाए तो आपको स्टॉप कर देना है। पर अगर आप निकालना चाहो तो आप आगे भी निकाल सकते हो, आपका रिपीटेशन ही होगा। अब इसके और फैक्टर्स नहीं है, अब यही रिपीट होंगे। देखो, 5 को हमने 20 को 5 से डिवाइड करा, 4 आया। अब हम 20 को 6 7 8 9 इनसे नहीं कर सकते, 10 से कर सकते हैं। 10 2 20, तो देखो यहाँ पे ये रिपीट हो गया। अब 20 को 20 से किया, तो 20 1 20। तो देखो, यहाँ पे आपका ये वाला रिपीट हो गया। तो इस तरीके से देखो, आपके फैक्टर्स क्या क्या हुए। आपके फैक्टर्स हुए 1 2 4 5 10 and 20। तो देखो, 20 के फैक्टर्स हुए 1 2 4 5 10 and 20। क्लियर है? तो आपको ये याद रखने हैं 20 के फैक्टर्स। अब देखो, दूसरा नंबर था हमारा 18। अब हम इसी तरीके से 18 के फैक्टर्स निकालते हैं। 18 को पहले हम 1 से करते हैं, 18 1 18। तो देखो, हमें जैसा कि पता है 1 और 18 ये दो तो होंगे ही होंगे फैक्टर। जैसा कि आप जानते हो, हर नंबर के दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1। अब हम आगे देखते हैं, 18 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 9 18। तो 2 और 9 भी इसके फैक्टर हुए। अब 18 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 6 18। अब हम 18 को 4 से करते हैं, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 3 18। तो देखो, यहाँ पे अब आपके फैक्टर्स रिपीट होने लग गए, तो आप स्टॉप कर दो। और अगर आप करना चाहते हो आगे, तो आप आगे भी निकाल सकते हो। आपके ये बाकी जो फैक्टर्स निकाले हैं यही रिपीट होंगे। अब इसके और फैक्टर्स नहीं है। देखो, 1 2 3 6 9 18 यही फैक्टर्स हैं। आप तो अगर आप आगे करना चाहते हो तो आप आगे कर सकते हो। देखो, आगे भी हम कर लेते हैं। 18 को अब हम करेंगे 9 से 7 8 से तो होगा नहीं, 9 2 18। अब हम 18 को करते हैं आगे। देखो, ये वाला रिपीट हो गया यहाँ। अब हम 18 को 18 से ही कर सकते हैं, 18 1 18। तो देखो, आपके फैक्टर्स क्या क्या आए, 1 2 3 6 9 and 18। तो 18 के फैक्टर्स हुए 1 2 3 6 9 and 18। क्लियर है बेटा? तो अब आप क्या करोगे, अब आप देखो, आपने 20 के फैक्टर्स निकाले थे। तो 20 के फैक्टर्स आए थे आपके 1 2 4 5 10 and 20।
18 के फैक्टर्स निकाले थे आपने, तो 18 के फैक्टर्स आए थे 9 and 18। तो ये आपके थे 18 के फैक्टर्स। ठीक है, अब आप देखो वो फैक्टर्स जो दोनों के हैं, देखो 1 20 का भी है और 18 का भी है, और देखो और कौन से फैक्टर हैं, 2 20 का भी है और 18 का भी है। अब देखो 4 इसका नहीं है, 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, बाकी सारे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग फैक्टर्स हैं। अब ऐसे कोई फैक्टर नहीं बचे जो दोनों के हों, तो आपके 20 और 18 के कॉमन फैक्टर्स हुए 1 and 2। क्लियर है बेटा? तो ये होते हैं आपके कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स आप सभी को निकालने आते हैं, आप चाहो तो मल्टीप्लाइंग मेथड से भी निकाल सकते हो, दोनों मेथड से आपके फैक्टर्स सेम ही आने हैं, कोई अलग अलग नहीं आएंगे। आप जौन से मेथड से निकालना चाहो उस मेथड से अपने फैक्टर्स निकालो, फिर उन फैक्टर्स को ऐसे लिखो, उन्हें कंपेयर करो और देखो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों के हैं। देखो हमने कंपेयर किया, 1 1 दोनों में है, 2 2 दोनों में है, बाकी सारे अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपके कॉमन फैक्टर्स हुए 1 and 2। क्लियर है बेटा? तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 में जो ए पार्ट है वो आपका ऐसे ही होगा। देखो सेकंड भी करा है मैंने, ऐसे ही करा है। नेक्स्ट देखो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, ये सभी ऐसे होंगे। तो आपको इस तरीके से कॉमन फैक्टर पता करने हैं और उन्हें लिखना है। नेक्स्ट देखो बी पार्ट, इसमें आपको क्या करना है, बी पार्ट को आपको अपनी बुक में ही करना है। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स, राइट द कॉमन फैक्टर्स इन द पार्ट शेडेड ऑरेंज। इसमें देखो आपको क्या करना है, नंबर्स दिए गए हैं, आपको इन नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, जैसे नंबर है आपका 9 and 12, तो यहाँ पे 9 के फैक्टर्स निकाले 1 3 and 9, ये 9 के फैक्टर्स आए। फिर हमने 12 के फैक्टर्स निकाले 1 2 3 4 6 12, ये हमारे 12 के फैक्टर्स आए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर पता करने हैं जो दोनों के हों। तो देखो 1 और 1, ये 9 का भी है 12 का भी है। 3 और 3, ये 9 का भी है और 12 का भी है, तो कॉमन फैक्टर हुए 1 and 3। अब इस सर्कल में आप कैसे लिखोगे, देखो ये जो वाला सर्कल है इसमें आप 9 के फैक्टर्स लिख दो, इस वाले में आप 12 के फैक्टर्स लिख दो। ठीक है, और जो ये बीच में जो हिस्सा है, ये जो सर्कल के बीच में ये ऑरेंज रेड रेड सा हिस्सा है, इसमें आपको कॉमन फैक्टर्स लिखने होंगे। ओके बेटा, क्लियर है? तो ये आपको दर्शा रहा है, बता रहा है कि ये वो फैक्टर्स हैं जो 9 के भी हैं और 12 के भी हैं। ओके, तो आप बी पार्ट को ऐसे करोगे, आपका सेकेंड और थर्ड भी ऐसे होगा। आपको क्या करना है, आप एक रफ नोटबुक में इन नंबर्स के फैक्टर्स निकालोगे और फिर आप इन्हें यहाँ पे लिखोगे, फिर आप देखोगे इनको कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों के कॉमन हैं, उन्हें सर्कल कर लेना और नीचे कॉमन फैक्टर्स वाले जो स्पेस है उसमें उन कॉमन फैक्टर्स को लिखना, और जो ये बीच वाला रेड वाला पार्ट है इनमें अपने कॉमन फैक्टर्स लिखोगे, और बाकी जो हिस्सा बचता है इसमें अपने फर्स्ट नंबर के, इसमें अपने सेकेंड नंबर के अनकॉमन फैक्टर्स लिखोगे, जो कॉमन नहीं है, जो फैक्टर्स बच गए, जो अलग अलग हैं उन्हें लिखोगे आप। क्लियर है बेटा? अच्छे से समझ में आया आपको? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.3। तो आप इस एक्सरसाइज का ए पार्ट अपनी नोटबुक में और बी पार्ट अपनी बुक में करोगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 के साथ। थैंक यू।